धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। कोई पहने मोतियन मांग भरावे, सोने वाले चांदी वाले पानी वाले पत्थर वाले, तन के तो सौ सौ श्रृंगार हैं, मन के आभूषण बस तुम हो। कोई जावे पुरी द्वारका, कोई ध्यावे काशी, कोई तपे त्रिवेणी संगम, कोई कोई मथुरा वासी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, भीतर बाहर सब जग जाहर, अन्यों के सौ सौ तीर्थ हैं, मेरे वृंदावन बस तुम हो। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस। ये निष्ठ की निष्ठा भक्त का लक्षण है, स्वीकार भाव। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा। महाभारत की एक पीड़ा है, और मैं जब महाभारत का चिंतन करती हूं तो लगता है कि उसका शांत रस प्रबल है या उसका करुणा रस प्रबल है। निश्चित रूप से जब अश्वत्थामा को बांध के लाया गया तो द्रौपदी के चित्त में करुणा आ गई। नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। जैसे मैं पुत्रों के अभाव में पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही हूं, ऐसे ही अश्वत्थामा की माता वो रुदन करेगी, वो रोएगी, वो विलाप करेगी, मेरी तरह व्याकुल होगी, अधीर होगी। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो छोड़ दो। कदाचित यही है करुणा। ये करुणा स्वभाव में होती है, और भारतीयों का स्वभाव इस करुणा से युक्त स्वभाव। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म को समझना मुश्किल है, तो हिंदू धर्म नैतिकता के आधार को आधार नहीं मानता। हिंदू धर्म अपनी नैतिकता में पहले सदाचार का बीज बोता है। हमारी नैतिकता थोपी हुई नैतिकता नहीं है, वो पशु पक्षी के लिए अधीर हो जाती है। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कैंपों में नहीं होता। हमारे व्यक्तित्व का निर्माण अपनी माता पिताओं के आचरण से, उनकी वाणी से, गाई हुई गाथाओं से निर्माण होता है। करुणा तो थी व्यास जी के मन में, जिन्होंने कहा था सत्यवती से कि आप जाइए, अपनी दोनों पुत्र वधुओं को लेकर जंगल तप करने जाइए, क्योंकि जो होने जा रहा है उसको आप देख नहीं पाएंगी, अधीर हो जाएंगी। वो जानते थे भविष्य को, इस करुणावशात सत्यवती को ये कहने के लिए। पर अश्वत्थामा को देख के करुणा जाग गई। आतताई के साथ आतताइयों जैसा व्यवहार होना चाहिए। भीम चाहते थे, भगवान कृष्ण ने भी कहा, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को, हंता को कितना बुरा है। ईर्ष्या की आग में जलते जलते कोई अपनी मर्यादाएं लांघ जाए। अश्वत्थामा दया करने योग्य नहीं है। मैंने निवेदन किया था अभी अभी के प्राणों का उत्क्रमण हो जाए, मृत्यु वही नहीं होती। अगर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान हो जाए वो भी मृत्यु ही होती है। तो अश्वत्थामा के शीश की मणि उखाड़ ली थी बालों सहित, धक्के देके निकाल दिया। भगवान कृष्ण ने कहा था, भीम ने कहा था, आतताई है, आतंक पैदा करने वाले आतताई। अरे अगर आपके पैर में कांटा लग जाए तो कांटे को कैसे निकालते? कांटा पैर में लग जाए देवियों तो कैसे निकालती हो? शहद लगाती हो? घी लगाती हो? क्या क्या करती हो? बिच्छू काट जाए तो क्या करती हो? गुलाब जल लगाती हो? हाँ, कोरस गाती हो कि हाय हाय चढ़ गए हो पापी बिच्छुआ? विष का शमन विष से होता है। कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल।
पर दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। तुम दुष्टों को भी कहते रहते हो हमारे ही जैसा है, गाय की हत्या करने वाले गोभक्षकों को भी कहते हो कि वो भी धर्मात्मा है। गोभक्षक कैसे धर्मात्मा हो जाएगा, कांटा कांटे से निकलेगा। और आतताइयों की प्रतिष्ठा नहीं की जाती, उनकी आरतियां उतार के उनको विधानसभा और पार्लियामेंट में नहीं पहुंचाया जाता, उनको फांसी के फंदे पे झुलाया जाता है। और निश्चय किया जाता है सीमा पार कर आए, सहते सहते सब सहने की। इसलिए मैं अक्सर कहती हूं कि अब कोई सपना ना देखे, ये भूमि बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा, लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं कहते कहते कहने की, चिल्ला चिल्ला कर कहने की। इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं। इसकी मिट्टी को माथे पे धारण करना, कदाचित हम समझ सकते हैं इस बात को। दमन किया जाता है दुष्वृत्तियों का, शमन किया जाता है पापों का, उद्धार किया जाता है पतितों का, लेकिन आतताइयों की आरती नहीं उतारी जाती। और कदाचित हम समझ पाते, हम देख पाते, हम अपने इतिहास को जान पाते, हमने उसमें निमज्जित होकर कदाचित, हाँ अपने प्राप्य को प्राप्त करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी दूसरे का छीन कर इस लोभ को हमारे यहाँ कभी नहीं स्वीकार किया गया। ये हिंदू संस्कृति है, हम हिंदू संस्कृति के संवाहक हैं। हमारे लिए चींटी के जीवन का भी महत्व है, इसलिए उसको भी चोगा चुगाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारी संवेदना, हमारी करुणा हमारा आधार है। आंसू पहुंचे नहीं किसी के तो हम अपनी जिंदगी की सार्थकता नहीं समझते। और कदाचित हमारी हिंदू संस्कृति कहती है कि अगर अगर कभी पराजय भी मिल जाए तो तुम्हारा चित्त पराजित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जय विजय चलती रहती है। पर जय के सामने भी पराजित मत हो और पराजय के सामने भी पराजित मत हो। अपने आप में थमे रहो, बने रहो, अपने स्वरूप में विराजे रहो। तो बस यही है, यही था। धृतराष्ट्र के चित्त का इतना बड़ा क्रोध, इतना बड़ा क्रोध, उनके चित्त के अंदर अपने पुत्रों को लेकर जो व्याकुलता थी मारे जाने के बाद, वो विष बन गया अंदर। और फिर बाहों में भर लिया भीमसेन समझकर उस मूर्ति को जो दुर्योधन ने बना रखी थी भीम की, और अपनी भुजाओं से, बलिष्ठ भुजाओं से ऐसा जकड़ा, ऐसा जकड़ा कि वो लोह प्रतिमा चूर चूर हो गई और ये बहरा के गिर गए। मुख से रक्त निकलने लगा, छाती की पसलियां चटक गई। ये सारा क्रोध जब शांत हुआ तो पुत्रों का जो मोह था उसके कारण जो चित्त के अंदर शोक था वो भी शांत हुआ। चेतना लौटी तो बोले कि हाय हाय मैंने भीम को मार डाला। तो कृष्ण और विदुर ने कहा कि नहीं, भीम नहीं मारे गए, पर आपका शोक शांत हो गया, आपकी प्रतिहिंसा शांत हो गई। प्रतिहिंसा तो गांधारी की भी शांत होनी चाहिए। सोचा था अपने कोपानल से, अपनी आंखों की आग से भस्म कर दूंगी पांडवों को, तो व्यास जी की करुणा लेकर गई गांधारी के पास, देवी ऐसा मत करना नहीं तो कुल में कोई रह नहीं जाएगा। तो थोड़ी सी देख पाई थी, युधिष्ठिर की नखों पर नजर गई तो वो नख जलकर काले हो गए थे, लेकिन शांत नहीं हो पाई कृष्ण को देखकर। और कहा कि आज से 20 वर्ष बाद जैसे मेरी स्त्रियां रुदन कर रही हैं पुत्रों और पतियों के कारण, मेरे कुल की देवियां,
ऐसे ही 20 वर्ष बाद तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए, बोले देवी तुमने अपना शाप व्यर्थ ही कर लिया, क्योंकि ये तो होना ही है, ये तो होगा ही, क्योंकि मैं कौरव कुल के कुलंगारों को ही बिनने नहीं आया, मैं अपने कुल के कुलंगारों से भी धरती के बोझ को हल्का करने के लिए आया।